अभी हम जा रहे हैं गृह सचिव से मिलने के लिए। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में टेरर पैदा करना, पुलिस का माफिया उपयोग करने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, जिसमें मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी, फर्जी एफआईआर क्रिस्टोमिया के नाम से संजय पांडे ने लिखवा दी। पुलिस स्टेशन के कैंपस में क्रिस्टोमिया के साथ में जो सीआईएसएफ कमांडो, उनके पर हमला शिवसैनिकों ने किया, वो कमांडो के ड्राइवर के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज की जाती है। वाशिम हो, पुणे हो, मुंबई हो, तीनों जगह कमांडर पे हमला हुआ और उद्धव ठाकरे धमकियां उनके शिवसैनिक देते हैं, मेरे सामने टकराओगे तो तुम्हारा मनसुख हिरन कर दे। उनका प्रवक्ता जो है वो कहता है 20 फुट जमीन में हम दफना देंगे। आज हम डिटेल रिपोर्ट करेंगे और स्पेशल टीम भेजे, उसकी बात करेंगे। मुझे मालूम नहीं कौन जा रहा है, कोई डेलीगेशन जा रहा है, दो चार लोग पकड़कर। क्या हो गया महाराष्ट्र में, किसी को यहां थोड़ा खून आ गया है तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भाग गए। बताइए, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृहमंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो, ये क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में 3 महीने में 17 बलात्कार हुए हैं, हत्याएं हुई है, आपको मालूम है? तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? वह तो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, राज्य देख लेंगे। योगी जी सक्षम है, मैं मानता हूँ योगी जी काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम हो रहा है। तो यहां से भागेंगे 4-5 लोग पकड़कर, दिल्ली में उठेंगे, महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे, ये तमाशा बना रखा है लोगों ने।